हिंदुइज्म के अंदर बहुत से जो सबूत हैं जिनसे ये पता लगता है कि शिवा क्रिएटर है, वो बहुत से सबूत आखिर हैं कौन से? क्योंकि अगर शिवा क्रिएटर है तो एक तो पहली चीज जो मैं डिमांड करूंगा तमाम हिंदुओं से जो पूरी जमीन के ऊपर फिर रहे हैं, पूरी जमीन पे है ना तमाम जितने भी हिंदू, मैं उन सबसे से मैं एक ही चीज डिमांड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर शिवा ने तमाम इंसानों को क्रिएट किया है और शिवा इंसानों को उनकी माँ के पेट में तखलीक कर रहा है, तो शिवा माँ के पेट से निकले हुए बच्चों से अपने नाम को बुलवा कर दिखा दे, खत्म हो गई बात, करके दिखाए वो ये काम अगर शिवा क्रिएटर है। बहुत से सबूत होंगे तो कौन सा सबूत? जब इंसान आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, अपने अपने बहुत सारे भगवानों को खुदाओं के नामों को बनाकर सदियों से लड़ रहे हैं ना इसी बात पर कि तेरा खुदा मेरा खुदा, 21वीं सदी में साबित कर तो दिया अल्लाह ने, कितना साबित किया अपने प्रैक्टिकल से, और मेरे मुकाबले पे तो शिवा आज तक नहीं आ सका, आज तक शिवा ने मुकाबला नहीं किया। जब भी खुदाओं के मैदान में चैलेंज किया है रूहानी तौर पर, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं आया, अल्लाह ने आकर अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पर अपने नामों को लिखकर, मौसमों को पलट कर, सूरज को गर्म करके, सूरज को ठंडा करके, कोरोना को बढ़ाकर, कोरोना को कम करके, और बहुत कुछ तरीकों से उसने साबित किया कि साइंस का क्रिएटर भी वो है, मौसम का क्रिएटर भी वो है, दुनिया भर के अंदर जितना भी नेचर का सिस्टम चल रहा है और पूरी कायनात में जो चल रहा है उस सब का क्रिएटर अल्लाह है, उसने तो प्रैक्टिकल से साबित किया है, और मैं उसका जीता जागता सबूत हूं इस जमीन के ऊपर अल्लाह के फजल से, खास फजल से, जिसके सामने, जिसके जरिए, जिसके लिए अल्लाह ने करके दिखा दिया क्या कि हाँ दीन इस्लाम सच्चा है। और शिवा, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, सीता, ज्यूस, थौर, जेसस, यावे और दीगर जितने भी जमीन के ऊपर बनाए गए थे सदियों से और पूछे जा रहे थे अल्लाह के मुकाबले पर, उनका एक जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है इस कायनात के ऊपर। प्रैक्टिकल, जब मैं दावा कर रहा हूं तो प्रैक्टिकल सबूत भी है ना, प्रैक्टिकल सबूत यही है, इतना ही काफी है कि पूरी जमीन के ऊपर तमाम हिंदू अगर मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, मैदान में जमा हो जाए, या पूरी जमीन पर एक वक्त में पुकारे अपने उन तमाम माबूदों को जिन्हें वो अल्लाह के मुकाबले पर खुदा कह रहे हैं, खुसूसी तौर पे इस शिवा को ले लो, तो वह शिवा ले आए अपने बादलों के लश्कर को आसमानों पर और लिखकर दिखाए अपना नाम। और मैं चैलेंज करता हूं तमाम हिंदुओं को कि शिवा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शिवा का कोई कंट्रोल नहीं है, शिवा ने मुझसे आगे मुकाबला नहीं किया आज तक, वो कहां से इस कायनात का खुदा हो गया? कितना चैलेंज किया बैटल ग्राउंड ऑफ गॉड्स के अंदर, तमाम खुदाओं को चैलेंज किया था ना, अल्लाह ने आके अपने वजूद को साबित कर दिया, बाकी तो कोई नहीं आया। तो जिसने अपने आप को साबित किया मैं तो उसको खुदा मानता हूं, मेरे सामने अल्लाह के सिवा किसी और खुदा की कोई हैसियत नहीं है, मैं अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा तस्लीम ही नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मान ही नहीं सकता जब तक मैं मुझे शिकस्त ना दे आकर। आ जाए फिर शिवा, अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत हौसला है और इतना, अगर वो इतना ही कायनात पर कोई कंट्रोल रखता है, तो आए मेरे सामने, आए लेजेंड की अदालत के अंदर और अपने होने की गवाही पैदाइशी बच्चों से दिलवा के दिखाए। शिवा सामने आए, आए ना किधर है, शिवा भी आ जाए और शिवा के साथ जितने भी हिंदुइज्म के अंदर बनाए गए हैं जिन्हें कहा जा रहा है अलग अलग तौर पे कि वो कोई भगवान खुदा है, क्रिएटर है, क्रिएटर होने की जंग है ना सारी, तो आ जाए ना वो सबके साथ। क्यों बेबसी फील कर रहा है, क्यों बेबस हो चुके, इतनी कहानियां सुनाई हैं सदियों से, वो जमीन पे आ जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर देते हैं, जब लेजेंड आ गया तो सारे गायब हुए हैं। लेजेंड ने अल्लाह की मदद से क्या क्या करके दिखा दिया है देख लो, यकीन नहीं है तो देख लो, और झुटलाना है तो झुटला दे फिर, लेजेंड को क्या फर्क पड़ता, जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया, हकीकत को अब नहीं बदल सकता दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम, ये साबित हो चुका है 21वीं सदी में कि इस जमीन आसमान के ऊपर सारा इख्तियार रखने वाला सिर्फ एक अकेला अल्लाह वाहिदुल कहार है, और उसके खिलाफ जितनी भी पूजा पाठ हो रही थी, जितने माबूदों को बना बना के पूजा जा रहा था,
और शिर्क किया जा रहा था उसके खिलाफ, और उसकी पोजीशन पे डकैतियां मारने की जुर्म किए जा रहे थे जमीन पर, उनको बेनकाब कर दिया गया, कब का कर दिया, काम हो चुका, काम कर दिया गया है। शिवा का कोई कंट्रोल नहीं है, शिवा अपनी ताकत दिखा ही नहीं सकता। तो हिंदू घरानों के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाकी घरानों को तो छोड़ देते ना, चलो मुसलमान के घराने को छोड़ो, ईसाइयों को छोड़ो, यहूदियों को छोड़ो, हिंदू घरानों में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, हिंदू जो आपस में शादियां कर रहे हैं, हिंदू औरत और हिंदू मर्द, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जिसमें औरत मुसलमान है या मर्द हिंदू है, या औरत हिंदू है और मर्द और मुसलमान है, ठीक है, बात करते हैं प्योर हिंदुओं की, जो कहते हैं हम प्योर हिंदू हैं, हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है और हिंदुइज्म का शिवा और दीगर बहुत सारे जो है वो क्रिएटर है। तो एक तो एक पहले आपस में ये भी फैसला कर लो कि असल क्रिएटर है कौन, क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत सारे हिंदू आपस में ही कन्फ्यूज हैं क्रिएटर के मामले में, उनको यही नहीं पता असल क्रिएटर है कौन सा उनका। सो मुसलमान हालांकि दुनिया में 2 अरब के करीब है, लेकिन उनको क्रिएटर में कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, सब के सब मानते हैं कि अल्लाह ही खुदा है, अल्लाह ही क्रिएटर है, पर हिंदू जो है वो कितनी तादाद में उसके बावजूद उनमें इत्तफाक ही नहीं है इस बात पे कि असल क्रिएटर कौन है। कोई शिवा को क्रिएटर बोल रहा है, कोई ब्रह्मा को क्रिएटर बोल रहा है, कोई किसी को, कोई किसी को। पहले तो आप लोग खुद ही फैसला कर लो ना आपस में, इत्तफाक तो आप में इतना भी नहीं है कि एक क्रिएटर पे इत्तफाक कर लो आपस के अंदर, तो बाकी दुनिया वालों को क्या क्रिएटर साबित करोगे जब खुद ही अपने आप को एक दूसरे को साबित नहीं कर पा रहे। कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं कमेंट के ऊपर। सो बात सीधी सी है कि कितने हिंदुइज्म में सबूत है, कौन सा कौन क्या है। भाई बात सुनो, अगर दुनिया में तकरीबन मान ले बिल फर्ज कर लो कि 1 अरब हिंदू हैं, अगर दुनिया में 1 अरब हिंदू हैं, तो 1 अरब हिंदू या 1 अरब हिंदुओं का मतलब 1 अरब ख्यालात, कम से कम एक ख्याल एक हिंदू के पास ले लो, 1 अरब ख्यालात रखने वाले हिंदू, तो 1 अरब हिंदुओं से निपटू अब मैं बैठ के, अरे 1 अरब हिंदुओं के जवाब दूं इस बात पर कि 1 अरब हिंदू जिस जिसको अलग 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 को खुदा माने में बैठे हैं, और 1 अरब हिंदू जो ख्यालात ला रहे हैं, और 1 अरब हिंदू जो किताबों पर रेफरेंस पे लेके जा रहे हैं, तो किताबों में क्या करूं मैं जाके, मुझे तो किताबों की क्या क्या जरूरत है, मुझे किताबों की, मैं तो खुदाओं खुदाओं के ऊपर खुदाओं के वजूद के ऊपर हूं ना यहाँ पर। तो लेजेंड ने जब बैटल ग्राउंड ऑफ गॉड सजाया, स्पिरिचुअल वॉर सजाई और स्पिरिचुअल जंग की, तो जितने भी गॉड्स एंड गॉडेस बनाए गए थे सबके सब का पर्दाफाश हो गया, सबके सब बेनकाब हो गए, और पता लगा कि कोई गॉड्स एंड गॉडेस एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड के अंदर, पूरी कायनात में कोई गॉड्स एंड गॉडेस एग्जिस्ट नहीं करते। एक अकेला आया, उसने अपनी ताकत दिखा दी और उसने लेजेंड को बेबस कर दिया, और उसने लेजेंड को बेबस करके दिखाया कि हाँ वो बहुत पावरफुल है, उसकी ताकत से नहीं लड़ सकता लेजेंड, लेजेंड उसके आगे जर्रा बराबर हैसियत नहीं रखता। कौन? एक अकेला अल्लाह, वो आया, बाकी अल्लाह के सिवा जितने गॉड्स एंड गॉडेस के नाम बनाए हुए उनका तो वजूद नजर नहीं आया किधर गए, वो तो लेजेंड को हिला भी नहीं सके अल्लाह के फजल से, लेजेंड ने उन सबको शिकस्त दे दी अल्लाह के हुक्म से। ये मुमकिन हो गया, ये तो हो गया 21वीं सदी में, लेजेंड को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बहुत से आगे जो डिबेट करने की भी कहते हैं ना, डिबेट करो, लेजेंड बच्चों से क्या डिबेट करे, अगर जिनकी पूजा कर रहे हो उनके अंदर कोई ताकत है तो वो आके लेजेंड से डिबेट कर लें, ले आए अपने लश्करों को नेचर के, ले आए अपने बादलों को लेजेंड के घर पर, खुदा है ना वो, अगर खुदा है और उन्होंने कोई क्रिएट किया नेचर, ले आए ना वो अपने लश्कर, उन्हें क्या बताने की जरूरत लेजेंड कहाँ पर है क्या कर रहा है, आ जाए वो अपने बादल लेकर, इतना ही कर लें। और अगर वो बादल नहीं ला सके या नहीं ला सकते, जो कि वो हरगिज़ नहीं ला सकेंगे, तो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना फिर वो किसकी पूजा कर रहे हैं बैठ के, इतना भी इख्तियार नहीं रखते वो रियल वर्ल्ड में। और दूसरा ये कि जिस अल्लाह ने अपने क्लेम किए हैं इंसानों की बेबीज के बनाने पर, उसने प्रैक्टिकल तौर में अपने नाम को बुलवा के दिखा दिया उन्हीं इन इंसानी बच्चों के मुंह से। अगर शिवा ने बना रहा है और शिवा बना रहा है और शिवा के साथ और भी उसके साथ इस काम में इन्वॉल्व हैं,
तो पहले तो तमाम हिंदू मिलके उनके सबूत पेश करें। क्या सबूत पेश करें? कि शिवा ने, कृष्णा ने, विष्णु ने, हनुमान वगैरह ने, सब ने कहां वो दावे किए सारे के सारे के बच्चे माँ के जो पेट में वो बना रहे हैं। दिखाओ उनके दावे, उनके दावे दिखाओ, अपने दावे नहीं दिखाओ, अपने क्लेम ना दिखाओ। कोई भी हिंदू अपने क्लेम ना दिखा, अपनी बातें ना सुनाए ख्यालात की बुनियाद पर। मुझे पेश करो हिंदुओं के जिनके नाम ले लेके बात की जा रही है ना, शिवा, विष्णु, हनुमान, उनके क्लेम्स दिखाओ जो उन्होंने दावे किए पैदाइशी बच्चों को बनाने पर, और उनके क्लेम्स के बाद उनका प्रैक्टिकल भी दिखाओ, उन बच्चों के मुंह से वो अपने नाम बुलवा के दिखाए अगर वो सच्चे हैं। अल्लाह ने मुंह के फायर नहीं किए, मुंह के फायर झूठे लोग करते हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह ने जो बात कही है वो 100% दुरुस्त सच्ची है। वो किसी किताब में लिखे हुए ख्याली खुदा का नाम नहीं है, किसी इमेजिनरी गॉड का नाम नहीं है। वो एंशियंट बुक कुरान जो है वो 1400 साल पहले की जो किताब है वो ख्याली किताब नहीं लिखी गई, वो इंसान ने तख्लीक नहीं कर दी थी। अगर ऐसा होता तो उसके अंदर जो लिखे हुए दावे है ना, जिसने दावे किए और उसने अपना नाम अल्लाह बताया, अल्लाह अपना नाम बताया है, है? जिसने ये दावे किए 21वीं सदी में आने के बाद ये माँ के पेट से निकले हुए बच्चे अल्लाह का नाम ना पुकारते, कृष्णा कृष्णा कर रहे होते, विष्णु विष्णु कर रहे होते, शिवा शिवा कर रहे होते, माँ काली कर रहे होते। एक अकेला अल्लाह और इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेस बनाए हुए, वो सब के सब बेबस हैं उसके सामने। हकीकत ये है। तो ले आए फिर अपने लश्कर, वो निकाले माँ के पेट से बच्चे बना बना के, और वो सब के सब जितने भी हैं जहां भी हैं पुकारे शिवा का नाम, विष्णु का नाम, हनुमान का नाम, हिंदू घरानों में ही करके दिखाएं। चलो छोड़ो मुस्लिमों को और ईसाइयों को यहूदियों को, चलो हिंदू घरानों के अंदर पैदा होने वाले बच्चों से शिवा अपना नाम बुलवा के दिखाए, कृष्णा भी अपना नाम बुलवा के दिखाए, विष्णु भी अपना नाम बुलवा के दिखाए, हनुमान भी अपना नाम बुलवा के दिखाए, माँ काली भी अपना नाम बुलवा के दिखाए, सबको, जितने भी हिंदुइज्म में बने आए हैं जिनके बारे में दावे कर रहे हैं, जितने भी हिंदू पूरी जमीन पर कि वो क्रिएटर हैं, तो वो अपने बेबीज क्रिएट करें अपनी हिंदू औरतों और हिंदू मर्दों के सेक्स के बाद, और उस प्रोसेस के बाद जो बच्चा पैदा हो उसके मुंह से अपना नाम बुलवा लें। इतना सा चैलेंज दे रहा है लेजर, इतना सा चैलेंज दे रहा है, इतना सा। आती है समझ में? अकल काम करती है, कॉमन सेंस काम करता है, साइंस समझ में आती है नहीं आती? साइंस की बेसिक डेफिनेशन पता है देहाती को भी जो समझ में आ जाए? तजुर्बात और मुशाहदात का नाम साइंस होता है, नेचर साइंस की स्टडी, नेचर की स्टडी, एक्चुअली द नेचर की स्टडी साइंस है। सो अकॉर्डिंग टू नेचर जो खुदा अपना नाम बुलवा चुका और अपना नाम लिख के दिखा चुका वो अल्लाह है। तो साइंस ने साबित किया कि अल्लाह ही खुदा है। आ गई बात समझ में? जिन लोगों में, जिन नामों की हस्तियों को पूजा जा रहा है, अगर वो अपना नाम तक सिग्नेचर ना कर सके अथॉरिटी के लिए इस कायनात पर, अपना नाम बुलवा ना सके इंसानों के मुंह से जो पैदा हुए बच्चे वो, तो फिर कहां से उनको खुदा माना जाएगा? दिखाए ना अपना पावर। जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो बटन दबाता है तो आवाज भी निकलवा सकता है। ओके, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं सारे, उन्हें अल्लाह बनाता है, कंट्रोल अल्लाह का है उन पर, और अल्लाह ही अपना नाम बुलवा के दिखा सकता है, और अल्लाह ही अपना नाम बुलवाता है, और अल्लाह ही अपना नाम बुलवाता रहेगा जब भी जहां वो चाहेगा, और कोई भी अल्लाह को रोक नहीं सकता। कौन? कोई भी अल्लाह को रोक नहीं सकता, ना कभी रोक सकेगा, और अल्लाह ये काम करता रहेगा जब भी वो चाहेगा। वो अपना नाम भी लिखता रहेगा नेचर के जरिए जब वो चाहेगा, वो अपना नाम बुलवाता भी रहेगा नेचर की मखलूकात से जब वो चाहेगा, और जमीन के ऊपर ये फिरने वाले 5 अरब से ज्यादा गैर मुस्लिमों में से कोई भी, और उनका कोई भी वो पेशवा रूहानी मजहबी साइंसी जादुई, और उनके तमाम के तमाम के तमाम माबूद मिलकर भी इकट्ठे हो जाए तो वो अल्लाह को रोक ना सकेंगे। आगे समझ? अब जाओ पुकारो शिवा को, करो पूजा शिवा की और दीगर सबकी, और हिंदुओं को बता दो कि लेजेंड ने कह दिया है क्लियर कट के आ जाए वो सबके सब जिन्हें गॉड्स एंड गॉडेस कहा जाता है अल्लाह के मुकाबले पर, या तो लेजेंड को जाके शिकस्त दे दें, हरा लें अगर वो हरा सके, जो कि वो हरगिज नहीं हरा सकेंगे, या फिर जाए माँ के पेट के बच्चों से अपना नाम बुलवा के देखा। बड़ा सिंपल टेस्ट है उनके लिए, वो कभी नहीं कर सकते। क़यामत आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से जिस दिन, तो वो भी और उनके पैरोकार भी खड़े होंगे अल्लाह के सामने जवाब देने के लिए। तब उन्हें समझ में आएगा पैरोकारों के कि हुआ क्या,
और कितना वो बेवकूफ बने रहे अपने मजहबी पेशवाओं के हाथों के, उनकी आंखों के सामने बच्चे अल्लाह का नाम पुकारते रहे और वो अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे थे कि ये बच्चे अल्लाह का नाम क्यों पुकार रहे हैं। अगर शिवा ने उन्हें क्रिएट किया तो अल्लाह की गवाही क्यों दे रहे हैं, अगर राम ने उनको क्रिएट किया तो वो अल्लाह की गवाही क्यों दे रहे हैं, अगर माँ काली उनको क्रिएट कर रही तो वो अल्लाह की गवाही क्यों दे रहे हैं। तो अल्लाह अगर इमेजिनरी गॉड है तो उसकी गवाहियां कहाँ से देनी बच्चों ने, इतना कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा। और फिर कुछ आगे कहते हैं वीडियो एडिटिंग है रियल वर्ल्ड, इतना अगर रिफ्यूट करने का शौक है तो मुंह के फायर से रिफ्यूट नहीं होता। ले आओ फिर न्यू बॉर्न बेबीज बहुत सारे जो गॉड्स एंड गॉडेस का नाम पुकार रहे हो गैर मुस्लिमों के, फिर रिफ्यूट करो ना, लाओ इतने ही जितनी तादाद में अल्लाह ने अपने प्रैक्टिकल सबूत तैयार करवाए उतनी ही तादाद में सबूत लेकर आओ न्यू बॉर्न बेबीज के, गाय के, कुत्ते के पिल्लों के, मुर्गे मुर्गियों के हैं, बिल्ली के, मोर के, और भी दीगर बहुत सारी मखलूकात हैं, कम से कम इतनी तादाद में तो ले आओ। और अगर ना ला सको, जो कि हरगिज़ नहीं ला सकोगे, तो कम से कम न्यू बॉर्न बेबीज लेकर आ जाओ। अगर वो इतनी तादाद में वो भी ना ला सको तो कम से कम एक न्यू बॉर्न बेबी ही ले आओ, रियल फिजिकल वर्ल्ड में, रियल कैमरे पे, रियल रियलिटी में वो अपने उनका नाम पुकार रहा हो ना उनके हुक्म से, विदाउट एनी ह्यूमन ट्रेनिंग। किनका नाम पुकार रहा हो, जिन्हें दावे किए जा रहे हैं कि वो उनके क्रिएटर हैं। ले आओ उनके सबूत, उनके दावे लाओ, उनके सबूत लाओ, जब सब कुछ हो जाए पेश कर दो, जाओ मैं अपने यूट्यूब चैनल चलाओ, दिखाओ दुनिया वालों को कि हिंदुओं के जो गॉड्स एंड गॉडेस है, अरे वो भी कोई क्रिएटर ऐसे हैं कि माँ के पेट से बच्चे निकाल निकाल के उनसे नाम बुलवाते हैं। जाओ दिखाओ दुनिया वालों को, लेजेंड तो दिखा रहा है, दिखाता रहेगा अल्लाह के फजल से जब तक अल्लाह चाहेगा। और लेजेंड ने तो बहुत कुछ दिखा भी दिया अल्लाह की फजल से, उसकी मदद और उसकी तौफीक से 21वीं सदी में, जो कि दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों के लिए और उनके तमाम मजहबी पेशवाओं के लिए नामुमकिन है फॉर एवर। वाई? बिकॉज अल्लाह इज द ट्रुथ, बिकॉज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, बिकॉज इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन ऑफ अल्लाह, एंड कुरान इज द 100% रियल ट्रू होली बुक ऑफ अल्लाह। और इस्लाम के सिवा दीगर तमाम अदियानों मजाहब हमेशा के लिए बातिल और मनसूख हो चुके हैं, और जो कोई भी इस्लाम के सिवा किसी और दीन में मरेगा कुफर पर, वो हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा और अजाब में गिरफ्तार रहेगा। सच आ चुका, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे इनकार करे और कुफर पर मरे। अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज़ है।